कटारा खोल दिया है। और जिस तरह से आपको बता दें कि अपना विजन उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि हमें 2047 तक राज्य को विकासशील से विकसित राज्य की ओर ले जाना है, तो किस तरह प्रावधान किए गए हैं ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं दर्शकों। इस बीच आपको बता दें कि ये साय सरकार का पहला बजट है और इसे लेकर उम्मीदें भी खास हैं। इस बीच आपको बता दें कि ये बजट में उन्होंने कहा कि विजन दिखता है 2047 का जो हमारा लक्ष्य है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि अब राज्य को जिस तरह से अपनी GSDP की उन्होंने बात करी, वो बढ़ाने की बात उन्होंने कही, उसके लिए उन्होंने क्या लक्ष्य और किस तरह सुनिश्चित किए हैं वो उन्होंने बताया। अपना बजट उन्होंने किस तरह 10 पिलर्स पर आधारित रखा है और उस रणनीति के तहत ही आगे बढ़ना है, ये उन्होंने आज बताया अपने इस पूरे बजट भाषण में। और साथ ही साथ इसमें महतारी वंदन योजना, किसानों के लिए, युवाओं के लिए विशेष फोकस जिस तरह से रखा गया है, इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी तरह की चुनौती है क्या? स्वाभाविक रूप से रिसोर्सेस को बढ़ाना, आय के स्रोत को बढ़ाना और उसके आधार पर डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना, यह महत्वपूर्ण चुनौती है। और वित्त मंत्री ने इतने सरलीकरण के साथ में लेने, हमने 15 साल में जो लिया 41 करोड़ रुपए का कब्जा था, इस सरकार ने 50,000 करोड़ का कब्जा ले लिया। वो एक कर्जा ही मुक्त करना है और धीरे धीरे ग्रोथ को बढ़ाने, ये प्राथमिकता है। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक राजेश मुंडा, जिन्होंने इस बजट को छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए जिससे सभी वर्गों का विकास होगा। कैमरन मलकित के साथ स्वप्निल गोरखड़े, एनएस न्यूज रायपुर। राजेश मूरत जी को सुन रहे थे आप और कह रहे थे कि पूरा विजन उन्होंने बड़े ही सरल आसान शब्दों में सामने रखा है और ये छत्तीसगढ़ बजट 2024 जिसका इंतजार था। और इस बीच आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर सरकार ने जिस तरह से बड़ा फैसला लिया है, अमर अग्रवाल जी कहा कायर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के लिए अतिरिक्त न्यायालय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पद सृजित किए जाएंगे और जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस में 1,889 पदों की भर्ती भी की जाएगी। तो ये सुरक्षा के लिहाज से भी बजट महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी जो एक समस्या पिछले कुछ समय से देखने में आ रही थी वो कानून व्यवस्था को लेकर आ रही थी और ऐसे में बजट में फोकस इस पर भी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस में बढ़ेंगे पद, 400 यूनिट पर बिजली बिल हाफ होगा, बजट की ये बड़ी बातें हैं। और 5 सालों में GDP को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने यानी दोगुना करने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट भी पेश हुआ और जब बजट पेश करने के लिए पहुंचे थे ओपी चौधरी और जैसे ही उन्होंने अपना बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत करने वाले थे, उससे पहले सदन में हंगामा भी देखने को मिला इस विषय को लेकर। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अमृतकाल की नींव का बजट है, ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर आधारित है ये बजट। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की योजनाओं की झलक अब इस बजट में आपको देखने को मिलेगी, राज्य में देखने को मिलेगी। और युवाओं को रोजगार, कौशल विकास से जोड़ने पर फोकस रहेगा, नारी पर फोकस है, किसानों पर फोकस है और गरीबों पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है इस बजट में। जैसे उम्मीद थी कि रोजगार के लिए कुछ ऐसे नए संसाधन उपलब्ध होने चाहिए कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को मौका मिले और इसलिए ओपी चौधरी ने अपने पिटारे से उनके लिए भी कुछ योजनाओं के लिए प्रावधान किया है। शक्तिपीठ परियोजनाओं के लिए धार्मिक स्थानों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है, सिंचाई के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साय सरकार का ये पहला बजट है जिसमें तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपये का मानक पूरा दिया जाएगा। हाफ बिजली बिल योजना का ऐलान भी उन्होंने किया 400 यूनिट तक। एकल बत्ती योजना के लिए 540 करोड़ का प्रावधान किया इस बजट में। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली केंद्रीय और राज्य की योजनाओं पर भी सरकार का फोकस रहेगा।
तो युवाओं के लिए क्या, युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की बात उन्होंने की है और छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। युवाओं के लिए सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड़ का भी प्रावधान किया है। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, इसके लिए उन्होंने 80 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया बजट में। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना होगी। 6,96,000 कृषि पंपों को लाभ दिलाने योजना है। बिजली बिल हाफ के लिए 1,274 करोड़ का प्रावधान उन्होंने किया। इसी तरह अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना और मनेंद्रगढ़ कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना का भी ऐलान किया। इधर रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला की स्थापना की बात कही उन्होंने। छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना होगी। डिजिटलाइजेशन पर उन्होंने बहुत फोकस किया है कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए और सभी विभागों का, ताकि जो भ्रष्टाचार मुक्त एक शासन हम चाहते हैं वो मिले। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने इस बजट में रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया है। किया है हमारे साथ बात करने के लिए विधायक धर्मलाल कौशिक जी, उनसे बात करें। सर, आज बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, इस बजट को आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो सर्वांगीण विकास की बात की जाती है और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने वाली बजट हम इसको कह सकते हैं, खास करके जो सिंचाई के क्षेत्र में, उसके बाद में आप मातारी वंदन वाला जो है और उसके साथ में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया गया है उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। रेवेन्यू नया जनरेट करने की जो बात की गई है, सबसे बड़ी बात यह है, नहीं तो लगातार हम देख रहे थे जिस प्रकार से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो खत्म, मतलब ठार सा गया था विकास, आज उस दिशा में ये प्रदेश को आगे ले जाने वाली बजट हम इसको कह सकते हैं और एक प्रकार से सारे लोगों को समावेश करने का प्रयास किया गया है। बड़ी बात यह है कि सर, जीडीपी जो है वो 5,00,000 करोड़ से 10,00,000 करोड़ तक लेके जाना है, तो इस लक्ष्य को कैसे पूरा कर रहे हैं, क्योंकि 10 पिलर भी इसके लिए लाए गए हैं। मैंने इसीलिए कहा कि अलग अलग सेक्टर और अलग अलग उसको समावेश करने का प्रयास किया गया है। रेवेन्यू हमारा कैसे बढ़ सके और रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, जो जनरेट करने के लिए, इसमें जो बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं उस दिशा में निश्चित रूप से बढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ का विकास होगा। कोई नया कर नहीं ला रहे, कोई नया प्रदेश में किसी प्रकार से जनता के ऊपर में कर डालने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कोई भी नया कर प्रदेश में नहीं लाया गया है और मैं समझता हूँ आम लोगों के लिए रिलीफ है और बहुत अच्छा बजट इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ विधायक धर्मलाल कौशिक, जिन्होंने इस बजट को बहुत अच्छा बजट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में राजस्व बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं जो प्रदेश के लिए काफी अच्छा है। कैमरामैन मलकीत के साथ स्वप्निल गोरखड़े, एनएस न्यूज़, रायपुर।